ये मेरे पास एक प्रतिमा दिखाई दे रही है आपको। ये सिर्फ एक प्रतिमा भर नहीं है, ये किसी सपने के सच होने की शुरुआत है। एक ऐसा सपना जो राजसमंद से जुड़ा हुआ, इस मेवाड़ के माटी से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति हर रोज़ देखता था, और वो सपना था कि इस राजसमंद जो कि महाराणा प्रताप की धर्म कर्म भूमि और जन्मभूमि है, उस माटी पर, उस राजसमंद जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की एक अश्वारूढ़ प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि लोग प्रताप से जुड़ सके, लोग प्रताप को निहार सके। और उस सपने के सच होने की शुरुआत आज इस नगर परिषद के प्रांगण से आप समझ पा रहे हैं कि ये नगर परिषद राजसमंद के प्रांगण में जो प्रतिमा तैयार हो रही है, अंतिम तैयारियां चल रही है, और बहुत जल्द इसको राजसमंद में स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना कहाँ होगी, कब होगी, आगे के कार्यक्रम क्या रहेंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर हमने सभापति अशोक जी टांग से बात की। क्योंकि एक जो लोगों का लंबा संघर्ष था, लोगों का लगातार जुड़ाव था इस विषय से, उस विषय को, उस जुड़ाव को चेयरमैन साहब ने समझा, सभापति जी ने समझते हुए जो पिछले वर्ष एक वादा किया था कि मैं अगले वर्ष जब महाराणा प्रताप जयंती आएगी उससे पहले कुछ मजबूत, कुछ ठोस कवायद कर चुका हूँगा, उस कवायद को हम महसूस कर पा रहे हैं। तो चलिए ये कवायद आगे कैसे बढ़ती है उसको लेकर हम अशोक जी से बात करते हैं। किसी भी शहर के प्रथम पुरुष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो शहर की तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करें, लोगों तक पहुँचाएँ। मगर कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे उनका नाम हमेशा के लिए इस शहर के, इस क्षेत्र के तमाम लोगों के दिलों में अंकित हो जाता है। ऐसा ही एक काम अब लग रहा है कि अशोक जी, हमारे जो प्रिय चेयरमैन साहब है, अब उस कार्य तक पहुँचे हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा आज हमने देखी है, नगर परिषद के इस प्रांगण तक को आ गई है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जब आपको लगा कि ये एक ऐसा वादा था जो मैं एक किया था और मेरा मन था कि ये काम पूरा हो, तो अब पहले तो ये बताओ उस प्रतिमा को नगर परिषद में देख के आपको खुद को कैसा महसूस हुआ? मैंने जब पिछली जयंती थी महाराणा प्रताप जी की, तो मैंने सबसे वादा किया था कि अगले महाराणा प्रताप की जयंती पर अपन सभी मिलकर नगर परिषद राजसमंद द्वारा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, और मूर्ति आज नगर परिषद प्रांगण में आ गई है, और कल इसका भूमि पूजन 12:15 बजे रखा गया है, और महाराणा प्रताप जी की भूमि पूजन जेके गार्डन स्थित होगा जी। कल 12:15 का भूमि पूजन बता रहे हैं, कल महाराणा प्रताप जयंती भी है, अनेक कार्यक्रम होंगे, मगर राजसमंद के लिए ये बड़ा ही ऐतिहासिक पल होने वाला है। क्योंकि हर बार हम ये देखते थे कि तमाम दावों और वादों के बाद भी धरातल पर हमें कोई महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं दिखाई देती थी। लास्ट में हमको पुलिस, जिला पुलिस के द्वारा जो एक प्रतिमा स्थापित की गई वहीं जाना पड़ता था, और वहां से हर एक व्यक्ति ये मन में पीड़ा लेके जाता था कि यार इस जिले में कोई एक अश्वारूढ़ इस प्रकार की प्रतिमा नहीं है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली और महाराणा प्रताप की कर्म स्थली, जहाँ से हमको लगे कि यार राजसमंद में भी वो एक सम्मान मिल रहा है प्रताप को। तो अब आपको लग रहा है कि आप इसके अगुवा बने हैं, तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? मैं और मेरे नगर परिषद परिवार पूरा इसमें सहयोग करता है, और सभी पार्षद एक्टिव हैं, जिन्होंने सभी ने सोचा कि भाई राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद क्षेत्र में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति होनी चाहिए, वो भी, और भी विचार है कि भाई मैं ये 100 फीट रोड जो निकल रही है इसका नामकरण भी महाराणा प्रताप मार्ग करूं, और भी कोई आशा है कि भाई महाराणा प्रताप जी अपने मेवाड़ के शिरोमणि, वीर शिरोमणि हैं, तो और कुछ जो हम कर सकते हैं वो कम है, और ज़्यादा करने की इच्छा है उनके लिए। एक आखिरी सवाल की, क्योंकि ये प्रतिमा आ चुकी है, भूमि पूजन आप बता रहे कल है, और राजसमंद के लोगों में भी इसको लेकर उत्साह अब एक जागृत होकर, वैसे भी धीरे धीरे जो जेके गार्डन का स्वरूप अब बदला है उससे काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग वहाँ आते हैं, तो अभी एक नया वहाँ एक केंद्र बनने जा रहा है कि जब महाराणा प्रताप की वहाँ प्रतिमा लगेगी तो और भी लोगों का जुड़ाव होगा। तो ये भूमि पूजन के बाद कब तक हम उम्मीद करें कि ये प्रतिमा लगकर हमको दर्शनों के लिए हम आ सकेंगे, वहाँ प्रतिमा से जुड़ सकेंगे? उसकी टेंडर प्रक्रिया जारी है, और महाराणा प्रताप पार्क का नाम भी महाराणा प्रताप पार्क रखा जाएगा, ये भी प्रयास कर रहे हैं, और उसके जस्ट जेके गार्डन अभी जो संचालित है, जहाँ उसके पीछे जो भी ज़मीन है वो भी अपने पार्क के लिए माननीय जिलाधीश महोदय ने नगर परिषद राजसमंद को हैंड ओवर कर दी है, वहाँ भी एक पार्क बनाया जाएगा जी। और प्रतिमा ये कब तक हम उम्मीद करेंगे आ जाएगी अपने? टेंडर प्रक्रिया हो गई है जी, और जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा।
तो ये थे राजसमंद के सभापति अशोक जी डाक। इनके शब्दों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस विषय से कितनी गंभीरता से जुड़े हुए थे। तो जैसा कि अब आपको पता चली गया है कि बहुत जल्द जेके गार्डन के मध्य में ये प्रतिमा स्थापित होने वाली है, और जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि उसका नाम भी बदलने की कोशिश करेंगे कि उसका नाम महाराणा प्रताप उद्यान किया जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब तक इस प्रतिमा की वहाँ स्थापना होगी तब तक उस गार्डन का नाम भी बदला जा चुका होगा और उसी के मध्य में ये अश्वारूढ़ प्रतिमाएँ हमको दिखाई देगी। मगर ये जो प्रतिमा के वहाँ स्थापना होने की जो तमाम कवायद है, उस कवायद में कुछ और ऐसे चेहरे भी थे, कुछ और लोगों का संघर्ष भी था जो लगातार सतत इस विषय से जुड़े रहे, लगातार सक्रियता के साथ तमाम जिम्मेदारों को जा कर ये बताते रहे कि हमें इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। चलिए उस टीम से मिलते हैं, जानते हैं कि उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है जब अब ये उनका एक सपना मूर्त रूप ले रहा है। लगातार महाराणा प्रताप की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना जिला मुख्यालय पर करवाने को लेकर सतत सक्रिय थी। एक लगातार इस मुहिम के साथ कि हर महीने हम जिम्मेदार लोगों से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ये प्रतिमा जल्द से जल्द हमें धरातल पर दिखाई दे। अब जब एक उम्मीद की किरण जगी है कि हाँ अब ये प्रतिमा हमको बहुत जल्द धरातल पर दिखाई देने वाली है, तो हम जानना चाहेंगे उस टीम से भी कि वो सबसे पहले तो महसूस क्या कर रहे हैं आज। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद कि इस जो हमने बीड़ा उठाया था कार्यक्रम को करने का, मूर्ति स्थापना के प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की, उसमें आप शुरू से हमारे साथ हैं और बराबर हमें सहयोग दे रहे हैं और इसकी जागरूकता बनाए रखे हैं। पिछली जयंती पर सभापति जी ने जैसा कमिटमेंट भी किया था कि अगली जयंती तक हम निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित कर देंगे, और जो हमारे पिछले 4-5 साल से जो संघर्ष चल रहा था जिला मुख्यालय पर मूर्ति होना चाहिए, तो वो अब धरातल पर उतरता हुआ सपना साकार होता लग रहा है। साथ ही जो लगातार पिछले 1 साल से हम हर महीने नियमित रूप से जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिल रहे थे, वो मूर्त रूप से धरातल पर आने की घड़ी नज़दीक आती लग रही है, और इसके लिए हमारी जो पूरी टीम लगी हुई थी, टीम ने अपना प्रयास किया और मीडिया ने भी जो साथ दिया उसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। एक चीज़ इसमें, जैसे कि प्रताप का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल और इतना विस्तृत है कि उसके बारे में कुछ भी कहना एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, मगर फिर भी हर बार हम रह रहे के ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप की ये जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों राजसमंद है, और ये इस कथन के साथ एक टीस हमेशा से रहती आई है कि उसके बावजूद जिला मुख्यालय पर कोई एक अच्छी प्रतिमा यहाँ नहीं थी। अब आपको लग रहा है कि आपके प्रयास के कारण, सभापति जी की सक्रियता के कारण वो भूमि पूजन होने की तैयारी है, बहुत जल्द वो धरातल पर दिखने की तैयारी है, तो ऐसा नहीं लगता है कि अब चलिए अब उस गार्डन में, अब इस क्षेत्र में जो लोग आएंगे उनको प्रताप से जुड़ने का एक और अवसर प्राप्त होने वाला है, ये हमारे लिए बड़े गौरवशाली क्षण है। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की कर्मस्थली भी रही है, जन्मस्थली भी रही है, और आज जो इतिहास को लेकर जो भ्रामक परिस्थितियां बनी हुई है तथ्यों को लेकर, उसकी उचित और समुचित जानकारी मिल सके, तो अगर प्रतिमा स्थापित होगी तो निश्चित रूप से उसका इतिहास भी पढ़ेंगे बच्चे, जानेंगे, और जो पीढ़ी अभी जो हमारे वास्तविक इतिहास से अछूती रही है वो जानने का प्रयास करेगी और इस दिशा में आगे बढ़ेगी। आप भी लगातार जुड़े हुए हैं और कल भूमि पूजन है इस प्रतिमा के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तक मैं समझ रहा हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हम मेवाड़ में पैदा हुए हैं, महाराणा प्रताप की कर्मभूमि और जन्मभूमि। हमने विगत 5 साल से जब से हमारे में ये समझ आई है, या हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हर महीने की 13 तारीख को हम गार्डन में इकट्ठे होते थे और इस पर चर्चा करते थे, और संबंधित जितने भी राजनेता हैं उन सबसे मिले, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति से मिले, हम दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधियों से मिले। सबसे पहले हम पूर्व विधायक हमारे और मंत्री किरण जी से मिले थे, उन्होंने एक सर्कल का उसमें शिलान्यास भी किया था, लेकिन कुछ लोगों के उस पर स्टे आने के कारण वो मूर्त रूप नहीं ले सका, इस दौरान वो रहे भी नहीं। इस दौरान हम लगातार सभापति से मिलते रहे, सभापति महोदय ने हमारा बिल्कुल ध्यान, हमने उनका ध्यान आकर्षण किया, और उन्होंने इस गार्डन में जो 100 फीट रोड पे है उस पर मूर्ति लगाने की बात कही थी, और लगा उनके आश्वासन के बाद भी हर महीने की 13 तारीखों को हम उनसे किसी न किसी बहाने मिलकर उनको याद दिलाते रहे। इस दौरान हमने, हमारे सांसद हैं दिया कुमारी जी से, उनसे भी मिला,
ये पूरा प्रतिनिधिमंडल उनको भी ज्ञापन दिया। उनका भी एक बहुत बड़ा सपना था कि इस राजसमंद में जो सनवाड वाली पहाड़ी है उसको उदयपुर की मोती मंगरी के तर्ज पर डेवलप करने का उनका पूरा था कि रोपवे वगैरह बनना चाहिए इधर माता जी से वहाँ पर एक पूरा उनका भी है, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन सर्वप्रथम चूँकि शहर का एक दुर्भाग्य जनता का, आम जनता का जो सर समाज से है कि हमारा एक दुर्भाग्य का हम एक अदद मूर्ति के लिए भटकते हैं महाराणा प्रताप के लिए। ये तो भलाओ एसपी साहब का, रूपेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने एक छोटी सी मूर्ति यहाँ लगाई, हमें पुठोल जाना पड़ता, हमें खमनोर जाना पड़ता, हमें वहाँ जाना, एक मूर्ति इतने सालों से कोई जनप्रतिनिधि या कोई समाज सेवक लगा नहीं सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक जी टांग का व्यक्तिगत रूप से कि उन्होंने इस एक साल के अंदर जो आश्वासन दिया कि मैं आपको निश्चिंत रहिए हम आपको जरूर एक साल के अंदर इसको क्रियान्वयन करके बताऊँगा। आज जब पूरा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है तो उन्होंने कहा सब मूर्ति आ चुकी है और कल आप मुहूर्त देख लीजिए, अपन उसका एक बार भूमि पूजन करते हैं और इस दौरान जो उनका स्वरूप बनाना है उसके बाद में मूर्ति स्थापित हो जाए। ये हमारे लिए वास्तव में गर्व की और गौरवशाली पड़ रहे हैं। तो सभापति जी से लेकर इस पूरी सक्रिय टीम तक के तमाम चेहरों, तमाम शब्दों के माध्यम से आप पुनः यह महसूस कर रहे होंगे कि विषय हम में से हर एक के दिल से कितना जुड़ा हुआ है। और मेरे को ये खबर पहुँचाते हुए ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही है कि राजसमंद एक्सप्रेस शुरू से इस विषय से बड़ी गंभीरता से जुड़ा रहा, लगातार इस पूरी मुहिम में साथ हम खड़े रहे और हमारी कोशिश रही कि ये सपना जल्द से जल्द साकार हो। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये तमाम बातें पहुंचाते हुए मेरे को व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी हो रही है। यकीन ना जो लोग भी, जो दर्शक भी इस खबर को सुन रहे होंगे उनके लिए बड़ी एक खुशी का ही विषय होगा। महाराणा प्रताप से जुड़ाव का एक जो हम लगातार स्वप्न देखते आए कि इस प्रतिमा के माध्यम से हम उसे और मजबूत करें, वो एक बड़ी खुशी का विषय है। तो इन खुशियों के पलों में कल आने वाली महाराणा प्रताप जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उसके साथ ही इस प्रतिमा के वहां स्थापना की जो ये तमाम कवायद चल रही है उसको लेकर बड़ी शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूं। जब ये प्रतिमा कल 12:15 बजे इसका भूमि पूजन होगा, उसके बाद जो एक यात्रा शुरू होगी इस प्रतिमा के नगर परिषद प्रांगण से जेके गार्डन के बीच में पहुँचने की, वो बड़ी मनोरम होगी, बड़ी मनमोहक होगी। आप सभी से आग्रह है उस यात्रा से जुड़े और जब महाराणा प्रताप की प्रतिमा वहाँ स्थापित हो जाए तो इसे अपनी दिनचर्या का, अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।